दिल्ली वासियों, हम आपको बताएंगे आज कि कोरोना वायरस के चक्कर में दिल्ली में एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर लूट मचनी शुरू हो गई है। सर, दिल्ली सरकार का कंट्रोल बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां और सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बहुत ही महंगे रेटों पे सामान दिल्ली की जनता को और दिल्ली की सरकार की गवर्नमेंट एजेंसियों को दे रहे हैं, और ये एक बड़ा घोटाला के रूप में सामने आने वाले समय में सामने आने वाला है। मैंने तिलक बाजार में जाके कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि 2 रुपए वाली बोतल 3 रुपए की सप्लाई हो रही है, और वो भी लोग सप्लाई नहीं कर रहे। इधर जो लोग केमिकल सप्लाई करने वाले, सैनिटाइजर में यूज होने वाला, उसके रेट कम से कम 6 से 8 गुना बढ़ गए। और एक आदमी से मैंने पता किया कि जो बोतल के ऊपर स्प्रे लगता है, 3 रुपए 65 पैसे का स्प्रे आता है, और अब वो स्प्रे जो है साथियों 18 से 20 रुपए का बेच रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने पता किया कि जो कोरोना वायरस डिटेक्ट करने वाली एक जो टेम्परेचर गन है, जो 600 और 650 रुपए का जिसका रेट था, 10,000 रुपए तक की इनवॉइस के ऊपर बिल काट के वो सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसियों को। और एक बड़ा घोटाले के रूप के अंदर आने वाले दिनों में सामने आएगा। और मैं ये सरकार से चाहूंगा कि इन सभी लोगों के ऊपर तत्काल केमिस्ट शॉप्स पे और जहां जहां से भी ये सप्लाई हो रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके पे बड़े स्तर में कंसर्न SDM और पुलिस के द्वारा रेड करके ये माल निकाला जाए, और जो है इनके ऊपर, इनके रेट के ऊपर भी कंट्रोलिंग करी जाए। जो आदमी इस तरीके से मुनाफा वसूल कर रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको बंद किया जाए। और मैं ये भी चाहूंगा कि इसके अंदर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक बहुत ही हाई लेवल पे एक करे, और जनता को जो है ये मास्क और ये कम रेटों के ऊपर प्रोवाइड हो। हर तरीके के लोग, ई रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, बैंक कर्मी और सभी जगह संस्थानों में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। सब्जी मार्केटें तक बंद करनी है, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस के जो एक्टिंग कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हाल में ही ये भी निर्देश जारी कर दिया कि 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा के आपातकालीन स्थिति का लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा वसूली कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इसलिए इनके ऊपर जन दिल्ली के 1.25 करोड़ और पूरे भारत की जनता को लूटने के आरोप के अंदर मनमाने रेटों से कई गुना दाम बढ़ाकर दाम बेचने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए संबंधित धाराओं में, और सभी संबंधित न्यायालयों के अंदर इन डिस्ट्रीब्यूटरों को उठा के बंद किया जाए, और कंट्रोलिंग रेट के ऊपर सरकार जो है ये माल जनता तक पहुंचाए। यही मेरा सरकार सरकारी इंसियों तक पहुंचाए, यही मेरा आज सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को आग्रह है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सबसे ज्यादा आग्रह है कि वो इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और मेडिकल काउंसिल ऑफ दिल्ली से भी मेरा ये आग्रह है कि वो इसमें तत्काल जरूरी निर्देश जारी करें, और दिल्ली के जितने SDM हैं वो भी इसके अंदर अपने अपने एरिया में घूम के अपने स्तर के ऊपर जांच करें। जितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी केमिस्टों की दुकान पे विजिट करें, कस्टमर बन के, सादे कपड़ों में ग्राहक बन के, और उनके ऊपर इस पर एक्शन ले। जो ज्यादा रेट, ज्यादा मुनाफा वसूली कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले। इसी शब्द लिखना देता हूँ, जस्टिस।